आज हम रिव्यू करने वाले हैं फायर बोल्ट स्पीकर। स्पीकर का बॉक्स जस्ट आपके सामने है, देखिए एकदम ऑसम पैकिंग में है। इसका जो है प्रोडक्ट का नाम है BS1400। प्रोडक्ट की इमेज आप सामने देख ही रहे हैं, बहुत ही ऑसम दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग। तो पीछे आप देख रहे हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखी हुई है और भी बहुत सारी जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो पीछे दी हुई है। तो ये हुई पैकिंग की बात, चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये अंदर से कैसा है। अनबॉक्स करते ही दोस्तों सबसे पहले जो हमें दिखा है वो है ब्लैक कलर का ये एनवलप, और देखते हैं इस एनवलप के अंदर क्या है। कुछ इसके साथ मैनुअल निकले हैं और इसके साथ दो केबल्स निकली है, और ये इसका कुछ छोटा सा पैम्पलेट है जिसमें इसके अदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो इसमें आप देख लें, उसके बाद ये बोल्ट का है एक कार्ड मिला हुआ है, ये एक वारंटी कार्ड है। Gaana.com का भी एक हमें सब्सक्रिप्शन पैक मिला हुआ है जो है 3 मंथ के लिए। उसके बाद इसमें निकली हुई है 2 मूवी की टिकट, जिसके लिए आपको उसमें दिए हुए आईडी पे रजिस्टर करना है और आपको मिलेंगे मूवी टिकट। साथ ही हमको मिले हैं 2 केबल, जिसमें से एक ऑक्स केबल है और दूसरा जो है चार्जिंग केबल है। दोनों का साइज काफी छोटा है तो आप इसे देखकर लंबी दूरी के लिए इसे यूज नहीं कर सकते हैं, काफी पास रख के इसे चार्ज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई थी एसेसरीज की बात, और अब करते हैं बात स्पीकर की। तो बहुत ही नाइसली पैक किया हुआ है, ये मैंने अमेज़न से खरीदा है और अब मैं स्पीकर को बाहर निकाल लेती हूँ। काफी अच्छा पैक हुआ है, कोई डैमेज इसके साथ नहीं हुआ है। तो चलिए करते हैं इसकी भी रिवीलिंग। तो बाहर आ गया है हमारा लवली स्पीकर, इस पे बोल्ट का मार्क दिया हुआ है, देखिए एकदम ब्रांडिंग है। पीछे साइड हम नजर डालते हैं तो NFC दिया हुआ है, मतलब आप अपने मोबाइल को टच करके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइटिंग के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, प्ले और पॉज बटन है, उसके साथ ही ऑन बटन है और एक माइक्रो स्पीकर है जो उसके जस्ट साइड में बना हुआ है। इसके नीचे हम देखते हैं तो काफी सारे डॉट्स बने हुए हैं जहाँ से आवाज बाहर आएगी, और हमारी आवाज इसके थ्रू अंदर भी जा सकती क्योंकि ये फोन पे काम करता है। उसके बाद ऑक्स केबल है, उसके बाद USB पोर्ट है, फिर एक मिनी पोर्ट है और एक मोबाइल पोर्ट भी है, और उसके साइड में छोटा सा माइक्रो स्पीकर है। इसको आप टर्न करेंगे तो देखेंगे बहुत ही अच्छा जो है रबर का एक स्टैंड लगा हुआ है जिस पे आप इसको रख सकते हैं, जो एंटी स्लिप है। आप इसे खड़ा भी रख सकते हैं, पर जब आप इस स्टैंड पे रखेंगे तो दोनों जो इसके स्पीकर हैं वो इवनली साउंड करेंगे, और जो पीछे साइड है उस पे भी मार्किंग की गई है कंपनी की। मैं दबाने वाली हूँ इसका ऑन बटन, और अब देखते हैं कि ऑन होने के बाद ये कैसा दिखता है। देखिए एक वाइट कलर की जो है लाइट इसमें जली हुई है, पर इसमें पीछे जो बटन दिए हैं उससे आप इसकी लाइटिंग चेंज भी कर सकते हैं, जो है डिस्को लाइट, मल्टी कलर या जैसा भी आपको पसंद है उस तरीके की लाइट आप इसकी कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की इसमें लाइटिंग जलती है। तो देखिए इस तरह की लाइटिंग है, मैं इसका बटन पीछे से प्रेस कर रही हूँ तो ये अलग अलग तरह की लाइट में अपने आप को कन्वर्ट करता है। अभी मैं जो इसको ऑक्स केबल से कनेक्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो NFC से या इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, साउंड प्ले कर दिया है। Breaking while you fall asleep. Little do you know, I'm still haunted by the memories. Little do you know, I'm trying to pick my.
इसके सॉन्ग का बेस बहुत ही अच्छा आ रहा है, एक छोटे रूम में बहुत ही अच्छा बेस आ रहा है इसका, और हॉल में भी मैंने बजा के देखा, उसमें भी इसका बेस बहुत अच्छा आ रहा है। ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, और इन जनरल भी अगर आपको ये यूज़ करना है तो भी उसके लिए ये बहुत अच्छा स्पीकर है। आउटडोर में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उतना इसका बेस नहीं आएगा, बट घर में तो मैंने हॉल में और रूम में दोनों में चला कर देखा तो इसका बेस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप लोग इसका साउंड सुन ही रहे होंगे कितना अच्छा आ रहा है। तो ये आज के लिए मेरा रिव्यू था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।